हेलो जाहिर कहाँ है? वो दरअसल मैं और जाहिर बाहर नाश्ते पर आए हैं, तो जाहिर ऑर्डर देने गए। जब वो वापस आएगा तो तुम्हें कॉल बैक करवा दूंगी। ओके बाय। काशान, कैसी तबीयत है पापा की? बेहतर है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है पापा का। डॉक्टर ने कहा कि शाम तक घर आ जाएंगी, लेकिन स्ट्रेस लेने से मना किया है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं रुका, वहां पर घर चला है। कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है काशा। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता, वरना ही आपा की तबीयत खराब होती। नहीं हीरा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं होगा, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। क्या मतलब? अगर मैं हमारी शादी के फैसले में आपा की रजामंदी शामिल कर लें तो हमको दुख ना पहुंचता। मैंने ये फैसला अकेले लिया, उनकी मर्जी नहीं शामिल की, तो उन्हें दुख पहुंचा, और आपा के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार मैं हूं। थोड़ा वक्त रुक जाता, सबर कर लेता, शायद कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती। काशन, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ, आपका गुस्सा वक्त ही होता है। माफ कर देंगे मुझे, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे। भाई हूं मैं उनका, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, लेकिन मेरा पापा को साल में देख के बहुत दुख पहुंचा है मुझे। काशन, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? आपा ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, बल्कि नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं मैं, बस सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय पिला दो तो अच्छा होगा। मैं चाय लेके आती हूँ। अगर तुम्हें जरा बराबर मोहब्बत है ना अपनी बहन से, चलिए तुम्हें से मुझे मसीह में मान मत कर। से हाँ, मैं जानती हूं कि
आप सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं और गुस्से में भी हैं। मेरा इस तरह से इस घर में आ मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन सुन तो सकती हो ना। देखो मेरे दिल में इस घर के किसी भी फर्द के लिए कोई अदावत कोई नफरत नहीं है सेहान। हाँ मैं मानती हूँ कि इस तरह से अचानक से मेरा इस घर में शादी करके आ जाना आप लोगों के लिए गुस्से का बायस हो सकता है, मगर मैं इस घर के हर फर्द के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बनाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हारे दिल में क्यों होगी नफरत यहाँ दावत? चोर दरवाजे से तुम दाखिल हुई हो इस घर में, मेरी बहन की जिंदगी में उसका बसा बसाया घर खराब किया तुम, आज तुम्हारी वजह से आपा हॉस्पिटल में, और कहती हो कि हमसे मोहब्बत चाहती हो। क्या मतलब? मतलब वो ही जो तुम समझ रही हो। काशान भाई को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर मेरी बहन के हक पे डाका डाला तुम, उसकी जिंदगी खराब की। लेकिन एक बात याद रखो, किसी की खुशियां छीनने वाले ना खुद भी कभी खुश नहीं रहते। क्या हो गया अम्मा, तुम क्यों यहाँ आकर बैठ गई? आई कमर तख्ता हो गई, ना बैठने की जगह ना लेटने की जगह। निग्गो सो गई थी तो मैं यहाँ, बेंच खाली पड़ी थी, मैं यहाँ टिक गई आके। तेरी क्यों बांछें खिल रही हैं? जाहिर कहाँ है? जाहिर गया घर और बांछें मेरी इतनी खिल रही हैं क्योंकि मैंने जाहिर को बता दिया है कि ये आपा की हालत की जिम्मेदार सिर्फ काशान भाई नहीं है, सहाम के घर वाले भी हैं। है, क्या कह रही है? वो लौंडा तो फड़क के रह गया होगा। अरे नहीं ना, क्या हो गया तुम्हें? तुम खुद ही तो कहती हो जब लोहा गर्म हो तो चोट का ज्यादा मजा आता है। तो बस मैंने भी कर दिया। तुम बताओ ना कैसी हैं तुम्हारी निक्को? अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक है, मैं तो भाई बहुत देर डर गई थी। हैं? क्या हो गया, तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? सब ठीक तो है ना? मुझे कोई फिक्र नहीं है भाई, मैं बस अदाकारी कर रही थी। हाँ रही ना तू कम अकल की कम अकल। अरे मुझे फिक्र निग्गो की नहीं थी, हाँ उसका जिंदा रहना हमारी तुम्हारी सलामती के लिए बहुत जरूरी है, समझी? क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि अगर वो ना हो तो बहन हमें तुम्हें भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके उस खंडर नुमा फटीचर घर में सारी जिंदगी रहना पड़ेगा, हम दोनों सर पकड़े बैठे रहेंगे। हाँ अम्मा तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी तो मैं कहती हूँ जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। कभी कभी अपने मफाद के लिए किसी बुरे को अच्छा कहना कोई हर्ज नहीं इसमें। ठीक कह रही। क्या खाया तूने? नाश्ता। नाश्ता ये नहीं, माँ को ना खिलाना तो। अरे भाई तुम आपा के पास पड़ी हुई थी ना, मैं क्या करती? अच्छा चल मुझे भी खिला के लेकर आ चाय बिस्कुट। चल फीका खाना वैसे तुम्हारी, तुम्हें तो चटोरी हो तुम तो भाग। चलो। अरे वो चटनी के शाशे मिलते ही ना वो ले लेंगे। तो यासिर अब खुश है कि अंकल के पापा के साथ इस घर में रहेगा।
Yes, I'm happy. High five. Thank you, Papa. ये देखो चाय भी आ गई। चलो बेटा यहाँ से जाके खेलो बाहर। मामा मेरे साथ कोई बाहर है ही नहीं और कोई भी नहीं खेलेगा। तो अच्छी बात है ना, बाहर आपसे कोई नहीं खेलेगा। पढ़ाई लिखाई में वैसे आपका ध्यान नहीं है। चलो जाओ, नजर नहीं आना मुझे यहाँ पे। चलो। ओके मामा। क्या हो गया मेरा? अचानक मूड क्यों खराब हो गया तुम्हारा? ज़ारा इस घर से क्यों गई थी? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान फासले क्यों बढ़ गए थे? क्या तुम दोनों के दरमियान अलहदगी की वजह मैं तो नहीं थी? क्या मतलब? और ये सवाल तुम मुझसे अचानक क्यों पूछ रही? सब सच बता चुका हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, सच बताओ क्या है? तुमसे इस घर में किसी ने कुछ कहा? मुझे किसी से कोई गरज नहीं है काशा। तुम मुझे बताओ कि सच क्या है? अगर तुम्हें सिर्फ मुझसे गर्ज है तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ज़ारा और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मजबूरी का रिश्ता था और वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। तुम इसकी वजह हरगिज नहीं हो। काशान, मैं ये सुन के बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि तुम दोनों का घर मैंने बर्बाद किया है। अच्छा, तो तुम्हारी सहाम से मुलाकात हो गई। सहाम ने कहा है तुम्हें सब कुछ और तुम मुझ पर इतना ही भरोसा करती हो कि तुमने मुझे ला के कटेरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं काशान, मुझे जिस तरह उसने ये बात बताई मुझे लगा कि वही सच है। काशान देखो, सहाम जो है ना, कानों में जहर घोलने का हुनर बहुत अच्छे से जानती है। वो तुमसे हसद करती है, इसीलिए तुम्हें बदजन कर रही है मुझसे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कितना एतबार है। एतबार है काशान, एतबार है, सभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बस कल जो कुछ हुआ ना, उसके बाद मैं थोड़ा घबरा गई थी। तो तुम बस फिक्र मत करो ना, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं साथ हूँ तुम्हारे। मायूस नहीं करूंगा। थैंक यू। चाय पियो। और एक बात हमेशा याद रखना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पता भाई, घर तो ऐसे बसते ही नहीं। सौदेबाजी से, मफामत से, दिलों में कराहत होने से काशान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं।
ये तो बस एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो आप लोगों ने जोड़ दिया। उसे बर्दाश्त करना पड़ता था मुझे अपने सामने अपने आसपास, सिर्फ अकेलेपन की वसीयत की बुनियाद पर। एक तो उस घर में मेरा वजूद किसी बेवजह बेमायने शेर से ज्यादा ऐसी रखता ही था। शाइस्ता की बेटियां बहुत बड़ी अदाकार हैं, मुस्कुरा के गम सहती रहती हैं, तकलीफ उठाती रहती हैं, खबर नहीं होती मुझे। शाइस्ता चाय पियो जी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, वो निगत की क्या इत्तला है? हाँ, मेरी बात हुई थी सयाम से, कह रही थी पहले से बेहतर है, आज रात तक हॉस्पिटल से आ जाएगी घर। शुक्र अल्लाह। तेरी बेटियों पे तो जी भर कर जुल्म करती रही, और जब खुद पे बात आई तो अस्पताल में दाखिल हो गई। तो किस्मत की बात है ना, इसका जितना बड़ा जर्फ होगा उसका वैसे ही इम्तिहान होता है। मुझे तो जारा ने हैरान करके रख दिया सुबह। उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और एक लफ्ज भी शिकवे का किसी से भी नहीं कहा। बेटियां ऐसी ही होती हैं, सब कुछ सह जाती हैं, शिकवा फिर भी नहीं करती। सुबह हमने सोचा भी नहीं था हमारी नासोपली बेटी को यह दिन भी देखना पड़ेगा। कौन सोचता है शाइस्ता, ये तो सब किस्मतों के फैसले होते हैं। माँ बाप अपनी दानिश के मुताबिक घर से रुख्सत करते हुए बेटी को सब कुछ दे देते हैं। नहीं दे पाते, अच्छी किस्मत है जो नहीं दे पाते। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आए? तुम परेशान ना हो, हमारी जारा बहुत समझदार है। तुम देखना वो जो भी फैसला करेगी वो सोच समझ के करेगी। और इस बात का यकीन भी है मेरी बेटी को उसके सब्र का बहुत अच्छा सिला मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। Thank you.
कहाँ से आ रहे हो? क्या मतलब कहाँ से? तुम्हें पता है कि आप हॉस्पिटल में, वहीं से आ रहा हूँ। झूठ कब से बोलना स्टार्ट किया? देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ आपकी वजह से, मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। तो ये परेशानी भी तुम्हारे भाई की वजह से, जो कहना उसको जाके कहो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन सी परेशानी किसकी वजह से, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपा मैंने रही, तुम रहे सारी रात दानिया के साथ हॉस्पिटल में, रहे सुबह उसको नाश्ते भी लेके गए, मेरी कॉल तक नहीं उठाई तुमने। दिमाग तो नहीं खराब हो गया यार, ये शक करने की आदत खत्म कर दो। मैं शक कर रही हूँ? छुप कर किया जाने वाला हर काम ना गलत ही होता है जाहिर। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों कि तुम्हारे घर वाले आपा का रिश्ता लेकर आए थे और काशान भाई के निकाह का सुनकर उनकी सड़ करके चले गए, और तुम्हारे घर वालों की वजह से मेरी आपा इस हालत में, इसी तरह हॉस्पिटल। जाहिर? क्या जाहिर? पापा मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, मैंने हीरा से निकाह कर लिया है, वे मेरी बीवी है। अगर ऐसा है ना तो तुम भी चले जाओ इसके साथ, तुम हमारे लिए मर चुके हो, समझे तुम? रिश्ता है या नहीं ये बात एक अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आप लोगों का। बिल्कुल है हमारी जिंदगी के अंदर, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। हम शादी कर रहे थे नदीम, तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर आए थे, तो मैंने कब इनकार किया? लेकिन जिन शराइत पर हमारी डील हुई थी वो तुमने पूरी नहीं की, इसलिए मैंने भी डील छोड़ दी। तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक डील थी और नहीं तो क्या? और निगत, शायद तुम ये बात भूल रही हो कि इस डील का आगाज तुमने किया था, वरना मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैंने तुमसे ये डील की थी, और हाँ आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। मेरे ही सामने लुटी मेरी दुनिया, वो जख्म भर ना सके, मोहब्बत बता दिल ये दियत किस तरह से सहे। पापा क्या अभी तक मुझसे नाराज हैं आप? काशान मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना, और जितनी तजलील तुमने की है मेरी उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्लीज आप ऐसे मत कहें, आपकी रजा और फैसलों को हमेशा अहमियत दी है मैंने, और क्या आप मेरी एक छोटी सी गलती को माफ नहीं कर सकते? आपा छोटा भाई हूं आपका, आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। और तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र होती तो तुम मेरा मान रखते, मेरी पसंद का ख्याल करते। आपा आप ही की तो पसंद थी, तो ना जाने क्यों इनकार कर दिया आपने? मैं तो मोहब्बत कर बैठा ना, इतने सालों की मेहनत और मोहब्बत पर उसकी चंद दिनों की मोहब्बत गालिब हो गई। इख्तलाक याफ्ता औरत और एक बच्चे की मां के लिए अपनी बहन की इज्जत दांव पर लगा दी तुमने, उस दो टके की औरत और उसके बच्चे को मेरे सामने लाखड़ा कर दिया, वो बच्चा जिसका बाप का भी नहीं पता। प्लीज अब मैं हूं उसका बाप।
और हीरा अब इस घर की इज्जत है। नहीं है वो तुम्हारा बच्चा और ना ही वो औरत इस घर की इज्जत है। किसी को अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। कौन है, कहां से आई है, क्या खानदान है? तुमने उसके माजी के बारे में जानने की कोशिश की है? प्लीज अब्बा, मुझे और कुछ नहीं सुनना काशा। तो क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? आप मुझे बता देना जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए। तुम्हें मेरी नाराजगी कितनी फिक्र है? जी आपा है, बिल्कुल है। और क्या माजी में मेरे किसी अमल से आपको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे आपकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, तो मीरा को तलाक दे दो और सारा को घर ले आओ। ये क्या कह रही हैं आप? आप वही जो तुमने सुना है। अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मेरी खुशी इसी में है। लेकिन आपा, बस यही था एहसास, यही थी मेरी अहमियत। जा सकते हो तुम। तुम्हारे दिल में क्यों होगी नफरत में बाबा? चोर दरवाजे से तुम दाखिल हुई हो इस घर में, मेरी बहन की जिंदगी में उसका बसा बसाया घर खराब किया। आज तुम्हारी वजह से आपा हॉस्पिटल में और कहती हो कि हमसे मोहब्बत चाहती हो। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। काशान भाई को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर मेरी बहन के हक पे डाका डाला था, उसकी जिंदगी खराब की। लेकिन एक बात याद रखना, किसी की खुशियां छीनने वाले ना खुद भी कभी खुश नहीं रहे। देखो सेहाम जो है ना, कानों में जहर घोलने का हुनर बहुत अच्छे से जानती है। वो तुमसे हसद करती है, इसीलिए तुम्हें बदजन कर रही है मुझसे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कितना है।
सहम बैठो ना, बैठने नहीं आई मैं। और इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो बातें मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी जिंदगी का सुकून खराब कर दिया। देखो साम, मैं इस घर में किसी से लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों के साथ मिलजुल के रहने के लिए आई हूँ। पर इस घर में जो कुछ गलत हो रहा है ना, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझ पे भरोसा तो रखो। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम सब ठीक कर दोगी। इस घर में ना निगत आपा की चिंता, हर कोई ज़ारा आपका की तरह नहीं होता जो अपने हक से दस्तबरदार होकर इस घर में खाली जगह छोड़कर चला जाए। आपा तुम्हें कभी कबूल नहीं करे। तो मेरी मानो, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, यहाँ से चलती जाओ। थैंक्स, लेकिन मैं इस घर में रिश्ते के साथ आई हूँ, और जिसके साथ मेरा रिश्ता है ना, वही मुझे बताएगा कि मेरी इस घर में क्या जगह है और क्या जगह नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो तुम्हारा जो पहला शौहर था, उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि तुमने मेरी बहन से उसका शौहर छीना है, तो छीनी हुई चीजें ज्यादा देर पास नहीं। शान भाई पे सिर्फ सारा आप ही का हक है, तुम भी यहां ज्यादा देर तक नहीं रहो। नदीम बेटा, वापस जाने का कब तक इरादा है? कैसी बातें कर रहे हो सुबह? अरे इतने सालों के बाद तो नदीम आया और तुम उसकी वापसी का पूछ रहे? अरे नाराज क्यों हो रही हो शाइस्ता? अरे तो यूं ही पूछ लिया था भैया, हो सकता है वहाँ बहू को कोई मसला ना हो ना अमेरिका में। अरे नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेती है। बस थोड़े दिन और रुकूंगा, बेसिक वजह तो सारा ही है, इस वक्त इसे हम सबकी जरूरत है। बल्कि आप लोग भी चले ना साथ। कौन कहाँ जा रहा है भाई? शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे नदीम से कि वापसी कब है तुम्हारी, लेकिन नदीम ने कह दिया कि नहीं, आप लोग भी मेरे साथ चले। हाँ तो क्यों नहीं जा सकते, बल्कि जारा भी साथ चलेगी। भाई आपने वकील को फोन किया, बात हुई? वकील? जी माँ, वो खुला के पेपर्स तैयार करवाने थे। देखो बेटा, अभी तुम रिलैक्स करो, बाद में देख लेंगे। माँ, ऐसे मामला जितने जल्दी तय हो जाए उतने बेहतर रहते हैं। भाई बताए ना, आपने की बात उससे? चलो जो तुम्हारा फैसला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बात करता हूँ मैं लॉयर से पेपर्स बनवाने के लिए। थैंक यू माँ। बाबा, इस वक्त मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, प्लीज। हम सब तुम्हारे साथ हैं। चाय? आह, मेरी बहादुर बच्ची, अल्लाह इसके कदम हमेशा
साबित रखे। आमीन। ये अंडे में हींग कौन डालता है? बकवास लिखते हैं, जो मुंह में आए दिमाग में। अरे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची अपने कदमों पे चल के अपने कमरे से यहाँ तक आई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिठा दो। बस फूफो आराम कर करके थक गई थी, सोचा कमरे से बाहर आऊं। आपने बहुत अच्छा किया आपा, आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जीती रहे मेरी बच्ची।